तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है हमारा ड्रोन और इसमें हमने कंट्रोलर यूज किया है DJI नाजा का M-Lite वर्जन। तो आज कुछ ही हुआ हमारे ड्रोन के साथ कि हमारा ड्रोन मतलब बचते बचते चला गया। हुआ कुछ ही ऐसा, देखिए, एक प्रोपेलर टूटा और एक हमारा ESC जल गया। हुआ क्या था एग्जैक्टली, हुआ था कुछ ऐसा। हमारा ड्रोन एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से टेक ऑफ हुआ और फिर इसे हमने कुछ देर तक उड़ाया काफी शानदार तरीका से, और हमने एक अच्छा सा वीडियो लेने के लिए हमने ड्रोन को इस तरह से फ्लाई किया ताकि वीडियो काफी शानदार तरीका से आए। और उसके बाद हमने क्या किया, ड्रोन का एल्टीट्यूड थोड़ा सा लो पे ले आया। और आप देखना, जस्ट यहीं पे, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है ड्रोन। और ये क्यों होता है, यहाँ पे जो हमारा ड्रोन था 2 से 5 सेकंड के आसपास तक, मतलब 2 से 3 सेकंड के लिए हमारा जो ड्रोन था वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। यानी कि हम जब उसको बैकवर्ड बुला रहे हैं तो वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट तो वो मतलब अपोजिट वो काम करना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ कैसे। और ये जो है ड्रोन हमारा, पिछले साल भी अगर जो आप वीडियो देखे होंगे ड्रोन का, तो ये यहीं पे जाके टकराया था और हमारा ड्रोन उस टाइम क्रैश हो गया था। हमारा प्रोपेलर टूट गया था उसका, और साथ में ये बुलेट कैप भी टूट गया था, जिसकी वजह से हमारा ड्रोन काफी दिन पड़ा रह गया, क्योंकि है ना हमारे कॉस्ट उतना था नहीं कि हम फिर से ड्रोन को रिपेयर कर सके। तो गाइस बात करते हैं इस पे, ये हुआ कैसे। ये जो है करकट वो बना होता है मेटल का, और मेटल मतलब कि वो आयरन का ही होता है, और आयरन मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है वहां पे इसका जो सिग्नल है वो डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा हुआ या कुछ ऐसा हुआ, जिसके कारण से हमारा ड्रोन जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आप देखोगे तो हमारा ड्रोन एक पेड़ में जाके अंततः क्रैश हो गया, और जिसके फलस्वरूप हमारा एक प्रोपेलर गया और एक ESC। तो अब हम बात करें इससे बचा कैसे जाए। तो पहली बात, आप ड्रोन वहीं उड़ाया करो जहां पे दूर दूर तक पेड़ पौधे या फिर कोई घर वर कुछ भी पॉल इलेक्ट्रिक तार, जो लंबे लंबे तार होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे खंभे होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर वो सब है तो वो भी सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा, आपका ड्रोन क्रैश होने का चांसेस है। दूसरी बात, आप ड्रोन उड़ाने से पहले पूरा चीज चेकअप करके जब भी उड़ाओ, क्योंकि ये आपका होममेड ड्रोन है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तकनीकी फॉल्ट आ सकता है ना, कि ये बिल्कुल सेफ है। जैसा कि आप देख सकते हो ये सारी वायरें इसकी जो है खुली खुली पड़ी हैं, एक एक वायर, तो हो सकती है कोई वायर ढीली हो गई हो। अब ऊपर में जाके ये वाइब्रेट बहुत करती है, ये वाइब्रेशन के कारण कोई तार निकल गई तो बस आपका ड्रोन राम नाम सत्य है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, उम्मीद है कि आप भी अच्छे तरीके से ड्रोन फ्लाई कर सकोगे। और मेन मकसद हमारा ये है कि ड्रोन क्रैश हो तो हो, लेकिन हमारे ड्रोन की वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, खाली जगह में उड़ाने का मेन मकसद ये है, और दूसरा आपका ड्रोन भी सेफ रहे बस। लेकिन हमारा जो ड्रोन आज क्रैश हुआ, इसके पीछे का वजह अगर जो आपको कुछ और लगता हो या आपको कुछ ज़्यादा जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपनों में ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।